बाजार की शुरुआती तेजी आधी हुई, फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव, सेंसेक्स 29,000 और निफ्टी 8950 के ऊपर बरकरार, ऑटो शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। जीआईसी खरीदेगी डीएलएफ के रेंटल कारोबार में हिस्सा, साइबर सिटी में डीएलएफ बेचेगी 40% हिस्सेदारी, 12,000 करोड़ रुपए के सौदा होने की उम्मीद। यूएसएफडीए ने वोकहार्ट के यूएस यूनिट को वार्निंग जारी की, कंपनी की इस यूनिट से नई मंजूरियों पर लगी रोक। सेबी में मामलों को लटकाना होगा मुश्किल, सीवीसी के निर्देश पर सेबी के विजिलेंट डिपार्टमेंट का गाइडेंस नोट, अंतरिम ऑर्डर पास होने के एक साल में अंतिम ऑर्डर पास करने का निर्देश। एयरसेल मैक्सिस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे नए सबूत, नियमों को ताक पर रखकर मैक्सिस के निवेश को एफआईपीबी ने किया पास, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर एफआईपीबी के फैसले की जानकारी का आरोप।